हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्वांट टेस्ट का टॉप 10 क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं, तो बिना देरी किए चलते हैं उसके ओर। तो जिन लोगों तक ये सीट पहुंच चुका है, ये सीट को आप लोगों ने उम्मीद है मुझे बना लिया होगा। जिन तक ये नहीं पहुंचा है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अटैच्ड है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलो देखो, पहला सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है। पहला सवाल में दे रखा है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड मोहन इज 40 इयर्स। प्रेजेंट एज का जो सम है रोहन और मोहन का, वो कितना है? 40 साल। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया रोहन और मोहन कितना है, 40 साल है। ठीक है, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जया एंड मोहन, जया और मोहन का जो है वो कितना है, 42 इयर्स। ठीक है, फिर आगे क्या दिए हुए सवाल में, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड जया, रोहन और जया का जो प्रेजेंट एज का सम है वो है तुम्हारा 38। ठीक है, तो बोल रहा है इफ सितारा इज 23 ईयर ओल्ड, सितारा जो है 23 ईयर ओल्ड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सही है ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे सब में देखो, तुम सितारा का तुलना ना जया, मोहन, रोहन इन सब से किया है, तो तुलना तभी कर सकते हैं जब उनकी उम्र मालूम होगी। तो उनकी उम्र हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखो, इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे, दोनों को घटा दो, तो मोहन मोहन क्या हो जाएगा, तुम्हारा कट जाएगा, यानी रोहन माइनस जया तुम्हें कितना दे देगा, -2, और रोहन प्लस जया तुम्हें मालूम है कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 38। ठीक है, तो तुम यहाँ से रोहन निकालो, रोहन जब निकालोगे तो रोहन तुम्हें क्या दे देगा, 38, और यहाँ से 2 चला जाएगा यानी 36 बाई में 2, यानी कि हो जाता है तुम्हारा 18। और तुम यहाँ से फिर जया निकालो, रोहन का मान यहाँ पे रख दो 18, 18 इधर जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा, यानी जया निकल जाएगा कितना, 20। जया जब 20 निकल गया तो मोहन भी तुम निकाल सकते हो, जया और मोहन जोड़ के तुम्हारा कितना है, 42 है, यानी कि मोहन जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 42 माइनस 20 इट इज नन अदर देन 22। ठीक है, अब यहाँ सितारा से तुम ना इसका कंपेरिजन कर लो, आर आ गया तुम्हारा 18, फिर तुम्हारा जया आ गया 20, फिर आ गया मोहन तुम्हारा 22। ठीक है, सितारा सबसे बड़ी है, यानी कि सितारा तक जाने के लिए इसे +1 ईयर चाहिए, इसे +3 ईयर चाहिए, और इसे जो चाहिए +5 ईयर चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें देखो क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन में सितारा इज 2 ईयर एल्डर देन जया, सितारा जो है जया से 2 साल क्या है, बड़ी है। तो जया से 2 साल बड़ी है क्या, जया से ये 3 साल बड़ी है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। 3 ईयर एल्डर देन रोहन, रोहन से तो 5 साल है। उसी के जस्ट नीचे तुम देखो ऑप्शन नंबर डी में तुम्हें दिख रहा है 5 ईयर एल्डर देन रोहन, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसी के साथ हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल में, आफ्टर मिक्सिंग 12 लीटर किरोसिन इन अ पेट्रोल किरोसिन सॉल्यूशन, एक पेट्रोल और किरोसिन का सॉल्यूशन है, मान लिए पी लीटर पेट्रोल था, के लीटर क्या था, किरोसिन था। ठीक है, फिर उसमें क्या दिए हुए, द कंसंट्रेशन ऑफ केरोसिन बिकम 75%, केरोसिन का परसेंटेज जो है 75% हो जाता है, कब, जब उसमें हम लोग 12 लीटर मिला देते हैं तब। ठीक है, तो जब तुम इसे 12 लीटर मिलाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा केरोसिन का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा तुम्हारा वो कितना आएगा, 1:3। फिर देखो क्या बोल रहा है, इंस्टीड इसके स्थान पे इफ़ ही हैड मिक्स 22 लीटर केरोसिन, ठीक है, उसने कितना लीटर केरोसिन मिक्स किया होता, 22 लीटर केरोसिन मिक्स किया होता। तो जब 22 लीटर उसने मिक्स किया होता केरोसिन, द कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल टू केरोसिन वुड बिकम 24%, पेट्रोल और केरोसिन का जो पेट्रोल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता, 24। तो जब ये 24 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इसे काट दो तुम, ठीक है, 4 से जब काटोगे तो 4 से ये कटेगा 6 बार में, 4 से जब इसे काटोगे तो 4 से ये कटेगा 19 बार में, यानी रेशियो जो तुम्हारा निकल के आया 6:1 क्या आया, 19। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो इस सवाल में क्या है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो, तुमने ऐड किया यहाँ पे भी किरोसिन, यहाँ पे भी किरोसिन, ठीक है, तो पेट्रोल जो होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी पेट्रोल होगा, क्योंकि पेट्रोल तो स्थिर है, रेशियो में ये 6 है ये 1 है, तो इसे क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे किरोसिन 18 है, यहाँ पे किरोसिन 19 हो गया। क्यों ये 18 से 19 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुमने 12 लीटर मिलाया था, यहाँ पे तुमने 22 लीटर मिलाया, यानी 10 लीटर तुमने एक्स्ट्रा मिलाया। तो यहाँ से तुम्हें क्या मालूम हो गया, ये जो एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ये एक यूनिट का मान किसके बराबर है तुम्हारा, 10 लीटर के बराबर है। खत्म हो गया सवाल। जब एक यूनिट का मान 10 लीटर के बराबर है तो 18 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल टोटल हमारा हो जाएगा 24। ठीक है,
24 यूनिट का मान तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 24 यूनिट का मान हो जाएगा 240 लीटर के बराबर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 24 यूनिट है क्या, ये 24 यूनिट तो तुम्हारा 12 लीटर मिलाने के बाद है ना। सवाल में देखो तुमसे पूछा क्या, व्हाट वाज द टोटल ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था सॉल्यूशन का ये बताने। तो 12 लीटर मिलाने के बाद 240 है, 12 लीटर निकाल देंगे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, 240 था नया, उसमें 12 लीटर निकाल दो, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 288 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया 288, ठीक है, यानी कि 228 लीटर, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई 228 लीटर। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोग को, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ टू डायगनल ऑफ अ रोम्बस डिफर बाई 2 सेंटीमीटर। दो डायगनल है, एक रोम्बस है हमारा, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा कि दोनों डायगनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो अदर अलग अलग डायगनल, ठीक है। ये ए बी सी डी नेमिंग कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये क्या है इसको बराबर भागों में बांट रहा है, ये इसको क्या कर रहा है बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या है, अगर तुम ए सी को D1 बोलते हो, ठीक है, AC को क्या बोल रहे हो तुम, D1 बोल रहे हो AC को, तो यहाँ से तुम्हारा BD क्या हो जाएगा, BD को मान लो तुम D2, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि जब ये बराबर भागों में बांट रहा है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता 90 में, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा D1 बाई में 2, ये हो जाएगा तुम्हारा D2 बाई में 2, ठीक है। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं D1 बाई में 2 का होल स्क्वायर प्लस में D2 बाई में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में a का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है सवाल में, तुम यहाँ से ये तो तुमने एक बेसिक सा चीज़ निकाल लिया, क्या बोल रहा है, दोनों डायगनल डिफर होते हैं 2 से, यानी कि d1 माइनस में d2 तुम्हें दिए हुए है 2, एंड द एरिया ऑफ रोम्बस इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया होता है तुम्हारा 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, ठीक है, जो कि 12 दिए हुए तुम्हारा, तो D1 D2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 24 हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर जो है रोम्बस के पेरीमीटर के बराबर है, तो एक चीज समझो, रोम्बस का भी सभी साइड क्या होता है बराबर होता है, तो जब रोम्बस के पेरीमीटर के बराबर है तो यानी कि रोम्बस का साइड के बराबर भी होगा, तो हम यहाँ से सबसे पहले रोम्बस का साइड निकालने पे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो रोम्बस का साइड कैसे निकलेगा, D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर तुम्हें दिए हुए है, ठीक है। तुम यहाँ से क्या करो, D1 और माइनस D2 का होल स्क्वायर कर दो, तो इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हें देगा D1 स्क्वायर प्लस में ये तुम्हें देगा D2 स्क्वायर, माइनस में 2 हो जाएगा D1 D2, बराबर में क्या हो जाएगा 4। अब D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर तुम्हें जोड़ के क्या दे रहा है, 4a स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, माइनस में 2 D1 D2, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, बराबर में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाना है तुम्हारा, 52 हो जाना है, 4 से काट दो इसे, 4 से जब तुम इसे काटोगे तो 4 से ये कटेगा कितना बार में, 13 बार में। a की वैल्यू जो निकल गई कितनी निकल गई, रूट ओवर 13। अब तुम्हें अभी मैंने बताया था, तुम्हें जब पेरीमीटर बराबर दिया है तो उसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि बाउंड्री तो उसकी वही कबीर हो जाएगी ना। तो जब पेरीमीटर हमारा बराबर है, साइड निकल गया हमारा, तो डायगनल निकालने के लिए बोल रहा है। स्क्वायर का डायगनल होता है रूट 2 इंटू में क्या साइड, रूट 2 इंटू में साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, रूट 113, यानी रूट 2 इंटू रूट 13 क्या हो जाएगा, रूट ओवर 26, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई रूट ओवर कितना 26। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है ABC इंटर इंटू अ पार्टनरशिप फॉर इक्वल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ABC जो है इंटर करता है पार्टनरशिप में इक्वल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, सच दैट बी एंड सी इन्वेस्ट 8,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। बी और सी जो है वो 8,000 रुपये बी लगाता है और सी लगाता है 12,000 रुपये, ठीक है, जब तीनों समान समय के लिए, तो टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है। इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 4,500 के टोटल प्रॉफिट में सी को जो मिलता है, सी को मिलता है 1,800, ठीक है, विच इज 600 मोर देन प्रॉफिट ऑफ बी, तो बी से 600 ज्यादा है, यानी सी से क्या होगा 600 कम होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 600 कम 1,200। अब तुम यहाँ पे ध्यान देखो, 1800 और 1200 जब तुम ऐड करोगे तो 3,000 हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 4,500 है, तो यहाँ से तुम्हारा 3,000 जब हो गया तो 1,500 ए को मिला यहाँ से, ठीक है। ए का इन्वेस्टमेंट हमें अभी तक नहीं मालूम, तो ए का इन्वेस्टमेंट हम लोग मान लेते हैं यहाँ से 1,000 ए, ठीक है। बोलोगे 1,000 क्यों माने, क्योंकि सारा जीरो जो है हमारा इजीली कट जाएगा, तो 3,0 3,0 और 3,0 यहाँ से कट गया,
ठीक है, तुमसे क्या बोला है निकालने के लिए, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यानी कि तुम्हें 1000 ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से तुम देखो, अगर तुम ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो रेशियो आया ए रेशियो 8 रेशियो 12, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। इसी रेशियो में तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिट बटेगा। तो किसी दो को ले लो, ए और बी को अगर तुम लेते हो तो ए बाई में 8 उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन इधर से तुम अगर प्रॉफिट एग्जैक्ट देखोगे तो ए को मिला 15 और यहाँ पर मिला तुम्हें 12, ठीक है, 2 0 2 0 खत्म हो गया। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से कट गया, 5 बार में, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 10 निकल गई। तुम्हें बोला था ए का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000 ए है, यानी कि 1000 × 10, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 10000 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 10000, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन मार्केटिंग बाई कंपनी ए एंड बी इज 25% एंड 40%। एक्सपेंडिचर जो स्पेंड किया मार्केटिंग में बाई कंपनी ए और बी, मतलब जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, उसका जो मार्केटिंग पे खर्च किया है, वो खर्च कितना किया है, 25% और 40%। तो मान लिया ए के पास टोटल एक्सपेंडिचर के लिए ए रुपीज था, बी के पास कितना था, बी रुपीज था। ए 25% अपना खर्च करता है और बी जो है 40% अपना खर्च करता है, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग, जो मार्केटिंग पे खर्च का रेशियो है वो कितना है हमारा, 5:7, तो कर दो इसे 5:7, परसेंट परसेंट यहीं से ख़त्म हो गया, 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 8 बार में, यानी ए बाई में बी कितना निकल जाएगा तुम्हारा, 8 बाई में 7। ए और बी मैंने क्या माना था, टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट, क्या बोल रहा है सवाल में देखो, एंड द सम ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज 300 करोड़। टोटल सम कितना है उसका, 300 करोड़ है, यानी 8 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 हो जाएगा, यानी इस 15 का वैल्यू तुम्हें दिए हुए है 300 करोड़। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 करोड़ हो जाएगी। 1 की वैल्यू जब 20 करोड़ हो गई तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 2 = कितना, 160 करोड़। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 160 करोड़, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या है, ए शॉपकीपर बाउट 150 एप्पल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर एप्पल। एक शॉपकीपर जो है 150 एप्पल खरीदता है 110 रुपये पर एप्पल पे। He sold 2/3 of the apple at the rate of 25%, at the profit of 25%. 2/3 को 25% के profit पे भेज देता है, and rest मतलब क्या, 1/3 को 10% के loss पे भेज देता है। If his overall profit is 10%, overall profit कितना है, 10% है, find the value of 2n-1 की value निकालनी है। देखो कितना आसान सा सवाल है, इसमें तो ऊपर वाले 150 एप्पल और 10 रुपये प्रति एप्पल का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम आसानी से तुम इसे निकाल सकते हो। देखो 2/3 कहने का मतलब क्या है, 3/3 हमारा, 3 हमारा टोटल है, और 2 पे हमारा जो है वो क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 2 पे जब 25% का प्रॉफिट करोगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा, 50 का। फिर यहाँ पे ध्यान दो, बाकी बचा तुम्हारा 3 था, 2 चला गया, बचा तुम्हारा 1, 1 पे तुम्हें क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि तुम क्या करोगे, 50 रुपया तुमने कमाया, 10 रुपया क्या कर दिया, तुमने गंवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से टोटल 3 पे बोला, ओवरऑल पे तुम्हारा क्या हो रहा है, 10% हो रहा है, तो ओवरऑल पे 10% का मतलब क्या, तुमने 30 रुपये कमाए, 50 रुपये तुमने कमाया, 10 रुपये गंवा दिया, उसके बाद तुम्हें बचा कितना, 30, तो यानी कि 50 - n = क्या हो जाएगा, 30, n की वैल्यू कितनी निकल गई, 20 निकल गई, खत्म हो गया। n की वैल्यू जब 20 निकल गई तो 2n-1 की वैल्यू निकालनी है, 20 × 2 क्या हो जाएगा, 40-1, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 39। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 39, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ध्यान रखो ये सब सवाल में, कि ये सब सवाल में ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता है, ये सब सवाल को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जस्ट कुछ चीज़ों को समझ के, यहाँ से कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा ना 150 एप्पल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर एप्पल, कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों का, सवाल को बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करने का वे ढूंढो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, अर्न ए कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल। अर्न ए में जो है 3 रेड बॉल है, ठीक है, और क्या है, 4 ग्रीन बॉल है ए में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अर्न बी कंटेन 4 रेड बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल, ठीक है। अर्न बी में क्या है, 4 रेड बॉल और 5 ग्रीन है। अब क्या बोल रहा है सवाल में, व्हेन 1 बॉल इज पिक्ड फ्रॉम ईच अर्न, हर एक अर्न से 1 बॉल, मतलब एक बार ए से एक बार बी से, ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम कलर के हों। तो सेम कलर का कहने का मतलब क्या है, एक बार रेड अगर ए से निकलेगा तो यही रेड कहाँ से निकलना चाहिए, ब्लू से निकलना चाहिए, मतलब रेड कलर का ही ब्लू से निकलना चाहिए। या फिर हो सकता है कि ग्रीन कलर का ए से निकले तो ग्रीन कलर का ही अगला क्या होना चाहिए, बी से निकलना चाहिए, या तो ये हो सकता है या तो ये होगा। तो रेड निकालने का, एक रेड निकालने का ए से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/7। एक रेड तुम बी से जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, और है, और का मतलब क्या होता है, प्लस। ग्रीन जब ए से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4/7। ग्रीन जब तुम यहाँ बी से निकालोगे तो 5/9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12, और प्लस में 5 4 कितना हो जाएगा, 20, बटे में 9 7 क्या हो जाएगा, 63। ऊपर में तुम्हारा क्या हो गया, 32, बटे में क्या हो जाएगा, 63। और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है, जो प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा, वो कितना है, 32 बटे में क्या, 63, ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखो, इन इंडिया द रेशियो ऑफ टोटल बंगाली रेफ्यूजी हु हैव इंडियन सिटीजनशिप टू दैट हु डोंट हैव इंडियन सिटीजनशिप इज 4:7। तो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, उनका रेशियो क्या दिए हुए है, 4:7 दिए हुए। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट गिव सिटीजनशिप टू 12584 मोर बंगाली रेफ्यूजी, ठीक है, गवर्नमेंट जो है 12584 मोर बंगाली रेफ्यूजी को क्या करती है, इंडियन सिटीजनशिप दे देती है। और क्या बोल रहा है, बंगाली रेफ्यूजी रिमेंस कॉन्स्टेंट, मतलब जो रेफ्यूजी कहलाते हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाता है, उसके बाद भी वो क्या कहलाते हैं, रेफ्यूजी ही कहलाते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो क्या बोल रहा है सवाल में, द रेशियो वुड बिकम, देन द रेशियो वुड बिकम क्या, 13:20। रेशियो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 13:20 हो जाता है। इन इंडिया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बंगाली रेफ्यूजी, ठीक है, जो बंगाली रेफ्यूजी हैं उनकी संख्या बताना है। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे तुम ऐड करोगे जिनके पास सिटीजनशिप है, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, वो कितने हैं तुम्हारे, 11। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने हैं, 20 और 3 33। तो ध्यान दो कि जिनको सिटीजनशिप मिला होगा, जिनके पास नहीं था वो क्या हो गए, जिनको नहीं मिला वो ट्रांसफर हो गए इसमें, मतलब इससे कमी होके इसमें हो गए, लेकिन उनकी टोटल संख्या जो है वो क्या रहेगी, वही की वही रहेगी। तो टोटल संख्या यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे 33 हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, तो इसको क्या करो, 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करोगे तो ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 21 से 20 में क्या हो रहा है, एक का कमी हो रहा है, तो इधर एक का बढ़ना चाहिए, यहाँ पे देखो एक का इंक्रीमेंट हो गया, तो हो गया सवाल खत्म। तुम्हें क्या बोला कि इतना 12584 को दे दे रहा है, तो एक यूनिट का मान तुम्हें दे दिया 12584। ठीक है, तो एक यूनिट का मान जब तुम्हें दे दिया तो तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है, टोटल नंबर, टोटल तुम्हारा कितना है, 33 है, 33 यूनिट का मान निकाल दो, 12584 गुने में क्या, 33। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे इसे गुना कैसे करेंगे, तो देखो इसका गुना करने का ना मैं तुम्हें सबसे आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, दो तीन तरीके से तुम इसे गुना कर सकते हो, लेकिन जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है वो तुम क्या करो, 12584 गुने में 3 गुने में 11 लिख दो। ठीक है, जब तुम 12584 को 3 से गुना करोगे, ये तो नॉमिनल सा गुना है तुम्हारा, आसानी से तुम इसे गुना कर सकते हो। ठीक है, तो जब गुना करोगे तो ये तुम्हें देगा 37752। ठीक है, और गुना कर दो 11 से, 11 से गुना करने का भी तुम्हें कंडीशन मालूम है, क्या करना है यहाँ पे, जस्ट एक एक क्रॉस करते करते आंसर ले आना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्रॉस करना शुरू करते हैं, 2 5 2 क्या हो जाएगा, 7 7 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12, हाथ में कैरी कितना, 1। ठीक है, हाथ में कैरी जब 1 बच गया तो तुम्हारा फिर अब करो 7 7 कितना, 14 और 1 15, फिर हाथ में हम कैरी 1, 7 3 10 1 11, हाथ में कैरी 1, 3 और 1 क्या, 4, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 415272, और यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 415272। तो कभी कभी ना डिजिट्स इस तरीके से मिलेंगे, तुम उसे क्या करो, थोड़ा सा उसे फैक्टर कर दो और उसके बाद उसे सॉल्व कर दो, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या हो रहा है, इन अ जर्नी ऑफ 84 किलोमीटर, ठीक है, 84 किलोमीटर के जर्नी में परफॉर्म्ड बाई क्या, साइकिल, टैक्सी एंड बस। ठीक है, इन ऑर्डर दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाई 3 इन द दैट ऑर्डर आर इन द रेशो 7:2:5, इसी ऑर्डर में जो है वो है 7 2 और किस में, 5 में है। ठीक है, रेशियो में तुम्हारा डिस्टेंस दिए हुए, ये तुम्हारा किस चीज़ का है, डिस्टेंस का, तुम्हारा डिस्टेंस दिए हुए टोटल 84। तो यहाँ पे तुम देखो तो 5 2 7 7 7 14, 14 यूनिट का मान तुम्हें दिए हुए 84, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है तुम्हारा, एंड चार्जेस पर किलोमीटर इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चार्जेस जो है वो चार्जेस तुम्हारा क्या दिए हुए है, देखो तो चार्जेस दिए हुए है 1:4:8 में दिए हुए, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, इफ़ द टैक्सी चार्ज आर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, टैक्सी का चार्ज जो है वो क्या है 10 रुपये पर किलोमीटर, यानी 4 यूनिट का मान 10 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 2.5 के बराबर, तो यहाँ पे तुम्हारा 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 10 हो गया, 4 का मान जब 10 के बराबर तो 8 का मान कितना के बराबर, 20 रुपये प्रति किलोमीटर के बराबर, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, वॉट इज द इंक्रीज या डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी, टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा इफ 20% ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इज नाउ कवर्ड बाई साइकिल, 20% डिस्टेंस जो बस का है, सबसे पहले 20% डिस्टेंस होता है कितना है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 30 का 1/5 करोगे तो यानी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर डिस्टेंस जो है बस से ट्रैवल किया जाता था वो क्या ट्रैवल कर रहा है साइकिल से, तो देखो बस से अगर ट्रैवल करता तो 20 रुपये के हिसाब से उसे पे करना पड़ता, साइकिल से कर रहा है 2.5 रुपये, तो क्या होगा अमाउंट में डिक्रीज होगा, तो तुम्हारा 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, अब इन दोनों में तुम्हें देखना है, ठीक है। तो अब देखो जब डिक्रीज होगा तो अब डिक्रीज कैसे होगा, कितना से डिक्रीज होगा तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। डिक्रीज तो होगा ये तो क्लियर है कि 6 किलोमीटर पे ही होगा, यहाँ तुम 20 रुपये नहीं दोगे, यहाँ तुम 2.5 रुपये दोगे, यानी कि तुम एक्चुअली में कितना रुपये, यहाँ तुम 20 रुपये बचा रहे हो लेकिन यहाँ तुम 2.5 रुपये दे दे रहे हो, तो एक्चुअली में तुम कितना बचा रहे हो, तुम बचा रहे हो 20 माइनस में 2 पॉइंट में कितना 5, ठीक है। तो 20 माइनस में 2.5 यानी कि कितना हो जाएगा 16 * कितना 17.5, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये तुम्हें देगा 105 रुपया, और यही तुम्हें बता रहा है कि 105 रुपये का क्या हो रहा है तुम्हारा अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि जो जितना किलोमीटर का हमें चेंज करना है बस से साइकिल में, और उसके अमाउंट में कितने का बदलाव आ रहा था, यहाँ से हमने 20 रुपये बचा तो लिया लेकिन यहाँ हमने 2.5 रुपये फिर हमने यहाँ पे दे भी दिया, तो 20 रुपये प्रति किलोमीटर मैंने बचाया, 2.5 रुपये दे दिया, तो एक्चुअली में मैंने बचाया कितना 17.5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि इस तरीके से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 17.5 पे ही बचत आएगा, मतलब वो डिक्रीज आएगा, बचत बोलो या डिक्रीज बोलो अमाउंट में, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 17.5 * 6 105 रुपीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट और आखिरी सवाल क्या दिया हुआ है नेक्स्ट सवाल में, देखो ए लार्ज सॉलिड स्फेयर ऑफ डायमीटर 15 मीटर, एक लार्ज सॉलिड स्फेयर है जिसका डायमीटर कितना है 15 मीटर है, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सेवरल स्मॉल स्फेयर ऑफ 3 डायमीटर, डायमीटर 3 छोटा छोटा डायमीटर में स्फेयर में बना दिया जिसकी डायमीटर क्या है 3 है, तो सबसे पहले तुम ना यहाँ से नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर निकाल लो, ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकाल लो स्मॉल स्फेयर, अब ध्यान दो यहाँ से तुम स्मॉल स्फेयर जब निकालोगे तो, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर जब तुम निकालोगे तो तुम्हें यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दोनों यूनिट डायमीटर में है, ठीक है, तो नंबर ऑफ निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है इसे रेडियस में बदलना, क्योंकि रेडियस में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करोगे, सारा चीज कट जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्मॉल निकालने के लिए क्या करना होता है, बड़े वाले का वॉल्यूम बटे में क्या छोटे वाले का वॉल्यूम, 4/3π, 4/3π तो दोनों जगह कट जाएगा, तो यानी कि बचेगा क्या आर क्यूब, 15 × 15 × 15 और बटे में 2 करते इधर भी बटे में 2, तो करने का कोई जरूरत है ही नहीं, 3 × 3 × 3, 3 से 5 बार में, यानी कि कितना हो गया 125 ऐसे स्मॉल स्फेयर बनेंगे। तो अब तुमसे क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर, स्मॉलर स्फेयर के सरफेस एरिया में जो परसेंटेज इंक्रीज आया ओवर द लार्जर स्फेयर, लार्जर स्फेयर से कितना का इंक्रीज आया, तो देखो तुम्हारा स्मॉलर स्फेयर जो है वो है तुम्हारा 125, ठीक है। अब 125 के अकॉर्डिंग तुम्हारा 125 स्फेयर का सबसे पहले तुम्हें निकालना है सरफेस एरिया। अब तुम ध्यान से देखो, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा 4πr², ठीक है, यहाँ दोनों दिए हुए हैं डायमीटर में, इसको मान लो r1 और इधर से मान लो 4πr² ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है परसेंटेज जब तुम्हें निकालना है x परसेंट करके तुम निकालोगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा बच क्या रहा है r1 है, r1 के लिए तुम क्या लिखोगे d1/2, तो यहाँ देखो 2 यहाँ से भी आएगा, d2/2 यहाँ से भी आएगा, 2 का स्क्वायर है तो कट तक खत्म हो जाएगा, तो लिटरली तुम यहाँ से d पे भी काम कर सकते हो। अब तुम देखो यहाँ पे स्मॉल लिख दो सरफेस एरिया, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा वाला लिख दो यानी कि बिग वाला जो कि ओरिजिनल है हमारा, ठीक है।
अब यहाँ से स्मॉल का कंडीशन तुम देखो, एक स्मॉल का डायमीटर है 3, यानी कि स्क्वायर करना है तो 3 का क्या कर दो, स्क्वायर। ऐसा ऐसा कितना है स्मॉल, 125 है, ठीक है। बिग वाले का तुम बात करोगे तो बिग वाला तुम्हारा कितना है, टोटल 15 है, यानी 15 का स्क्वायर कर दो यहाँ से। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 × 125 तुम्हें देगा 125, और यहाँ 15 का स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हें देगा 225। अब तुम यहाँ से देखो कितने का परसेंटेज इंक्रीज आया, तो सबसे पहले इंक्रीज निकाल लो। इंक्रीज देखोगे तो ये 900 का इंक्रीज देख रहा है। परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, 900 बटे में 225 गुने में 100, ठीक है। 225 से 900 काटोगे तो पूरा पूरी 4 बार में कट जाएगा, यानी परसेंटेज इंक्रीज जो निकल गया वो कितना निकल गया, 400%। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 400% है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज 10 क्वेश्चन का आज फिर समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आ रहे हैं या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो इसे वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, दोस्तों तक इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा तुम्हारे लिए बेहतर करने का, ठीक है। तो जिन लोगों को और इनसे हम लोग से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया हुआ है, आप वहाँ से चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा नंबर, टेलीग्राम सब जगह है, सब जगह से आप हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं और कंटेंट को खुद तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।